आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के जिला अमरावती के तहसील अंजनगांव सुरजी के ग्राम पंचायत महादेवी में भयंकर आग लग गई। बता दें कि आग घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फिलहाल किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मवेशी बुरी तरह जल गए। बता दें कि उनमें एक बकरी भी जल गई। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। उस मौके पर तहसीलदार और थानेदार और अन्य कर्मचारीगण मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनसे शांत रहने के लिए कहा गया और उनके नुकसान की भरपाई की उम्मीद जताई गई। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए फिरोज कुरैसी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में थाना किसनी के मौजा अरशारा के ग्राम गोकुलपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। बता दें कि ग्राम गोकुलपुर में आशुतोष यादव पुत्र सुहल सिंह यादव पूना नौकरी से लौट के घर आया था। जब उसका सैंपल लिया गया तो वह पॉजिटिव पाया गया, जिससे प्रशासन एकदम से हरकत में आ गया और तुरंत पॉजिटिव को भोगांव भेज दिया गया तथा उसके घर के सदस्यों को भी सैंपल के लिए भेजा गया। वहीं ग्राम के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर घेराबंदी करवा दी गई तथा प्रशासन द्वारा पोस्टर चस्पा कराए गए, जिसमें आशाओं व आंगनबाड़ियों तथा क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों को बताया गया कि वे घरों में ही रहें, ग्रामीणों को दिशा निर्देश व कोरोना महामारी से निपटने संबंधित लोगों को जानकारी देने, किसनी क्षेत्र के वीडियो व पूर्व भाजपा जिला महामंत्री रमाशंकर तिवारी द्वारा लोगों को भली भांति कोरोना से निपटने के बारे में अवगत कराया गया। मौके पर सोनू गुप्ता, हरेंद्र यादव, सचिदानंद, राजेश गोस्वामी, सुनील यादव, यजुवेंद्र कठेरिया आदि लोग मौजूद रहे। कोरोना से निपटने के लिए पूर्व जिला महामंत्री रमाशंकर तिवारी ने बताया कि लोगों को इससे निपटने के लिए कैसे जागरूक किया जाए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए गौतम सिंह की रिपोर्ट। मजरा अरसारा के ग्राम गोकुलपुर में कोरोना पॉजिटिव निकला है, हमारे पूर्व प्रधान जी ने क्या भूमिका निभाई है जरा देखते हैं। कल दिनांक 26 को एक कोरोना पॉजिटिव आतोष सुलेश सिंह यादव निवासी गोकुलपुर ग्राम पंचायत में सूचना प्रशासन के द्वारा प्राप्त हुई। उसी समय पूरे जनपद के अधिकारी गांव गोकुलपुर पहुंचे, उसके साथ में हम सब गांव के लोग अपने डीलर के साथ आंगनबाड़ी आशाएं और जो यहां पर मौजूद हमारे SDM थे, उपजिलाधिकारी महोदय और थाना प्रभारी और हमारी वाजपेयी, उनके द्वारा सारी चौक चौदह व्यवस्थाएं जो कोरोना निगरानी समिति के द्वारा होनी चाहिए वो की गई। गांव में चारों तरफ बैरियर लगाए गए, लोगों को अनाउंसमेंट करके बताया गया कि कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलेगा। जो कोरोना पॉजिटिव है उनके परिवार और उनके पड़ोसियों को 21 दिन तक घर में रहने के लिए सभी अधिकारियों ने बताया। सभी आशा बहुओं ने घर घर जाकर सैनिटाइज कराया, थर्मल स्क्रीनिंग की और सफाई कर्मचारियों ने भी पूरी ग्राम पंचायत की स्क्रीनिंग की। साथ में हमारे राशन डीलरों के द्वारा मास्क वितरण का कार्य किया गया और कल शाम को मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय, ग्राम विकास अधिकारी और लेखपाल और पूरी निगरानी समिति के द्वारा समीक्षा हुई। तो उसमें सभी आंगनबाड़ियों को और आशा बहुओं को निर्देशित किया गया कि निगरानी समिति से संबंधित और कोरोना से संबंधित जो पोस्टर हैं वो चिपकाए जाएं और निगरानी समिति को निर्देश दिया गया कि उनके घर घर जाके उनको मोबाइल से संपर्क करें, उनके हालचाल पूछें, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछें और सभी लोगों को 21 दिन में घर पर आने के लिए प्रेरित करें। राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ तहसील में गांधी कृषि फार्म कुम्हारों का बास सूरजगढ़ में आदर्श समाज समिति इंडिया के तत्वाधान में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेता, महान स्वतंत्रता सेनानी, आत्मनिर्भर आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में उनके संघर्ष और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया।
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आदर्श समाज समिति इंडिया के अध्यक्ष धर्मपाल गांधी ने बताया कि देश की आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाकर अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने साथ मिलकर देश को आज़ादी दिलाई थी। आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में सशक्त आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया। उनके संस्मरणों से देश की आज़ादी की गाथा के इतिहास में अनेक अध्याय भरे पड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में आधुनिक भारत के शिल्पकार के खिताब से नवाजे जाने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वह है निस्संदेह सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस दौरान राजेंद्र कुमार, अमित कुमार, अंजू, संजय कुमार, अन्य लोग शामिल रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुरेश राज, पुरोहित बारवा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए 24/7 लाइव टीवी।